हेलो फ्रेंड्स, सब भाइयों को राम राम। सत श्री अकाल, राधा, सत श्री और सराव, सारा ठीक ठाक हो भाई। आज हम आए जितेंद्र भाई की छत पे, तो इनके पास चलते हैं, तो करते हैं हम शौक इनकी छत का। तो ये हमने रोड पे बनाई है इनकी वीडियो, अब इनकी छत पे जाके शौक करवाते हैं, कुछ सवाल जवाब भी करते हैं। तो चलते हैं सब भाई। तो फ्रेंड्स, हम आ गए जितेंद्र भाई की छत पे। तो ये इनका लॉफ्ट है, करे शौक इन्होंने। पहले लो फ्लाई रखे थे, सहारनपुर भी रखे हुए हैं, उनका भी शौक किया इन्होंने। पिछले साल बाजी थी, बाजी भी इनकी इन्होंने। तो इनका लॉफ्ट है और ये व्यू इनका। तो आपको शौक करवाते हैं इनके परिंदा, और थोड़े सवाल जवाब भी करते हैं, क्योंकि ये उस्ताद भी हैं हमारे। तो लो जी, जितेंद्र भाई कैसे हो? जी नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया। स्वागत है हमारे सभी भाइयों का लक्की भाई के चैनल में, और लक्की भाई आपका वेलकम है, आप आए। शुक्रिया भाई। तो आपको शौक करवाते हैं अपने परिंदों का, तो चले। तो जितेंद्र भाई, आपने लो फ्लायर का भी शौक किया है? हाँ, मैंने हाई फ्लायर का, लो फ्लायर का, तकरीबन मिड फ्लायर सभी का करा हुआ है। तो हाई फ्लायर और लो फ्लायर में आपको क्या क्या, मतलब कि अभी अगर किसी की छत पे जाना हो तो कैसे पता चलेगा? देखिए, अभी रिसेंटली मैंने लो फ्लायर अपनी दोस्त की छत पे भेज दी है, उसकी बाजी थी। मगर फिर भी आपको, जैसे कि एग्जांपल के तौर में आपको बताता हूँ, जैसे स्कॉर्पियो कार है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? स्कॉर्पियो अलग से दिख जाती है क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। सेम चीज़ वही है, थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर और उनके फ्लाइंग पैटर्न से पता चल जाता है कि लो फ्लायर और हाई फ्लायर है। ठीक है, तो आप इनके परिंदों का शौक करवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आइए लकी भाई। लो गाइस, तो ये इनके परिंदे हैं, देखो परिंदों का शौक करें। इस परिंदे का शौक करें, क्या स्ट्रक्चर है परिंदे का, और प्योर हालत में कबूतर। इस परिंदे का शौक करें, स्ट्रक्चर देखो कबूतरों का कितना प्यारा है। और ये इनका मेन कबूतर है, जो पुराना इनके पास पड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर देखे कबूतर का कितना प्यारा है। तो जितेंद्र भाई, क्या है इसके बच्चे उठे कोई? लकी भाई, ये कबूतर मैंने ना इंपोर्ट करवाए हैं टोंक राजस्थान से। अच्छा, क्योंकि पहले मेरे पास लो फ्लायर थे, तो पुराने कबूतर ये है मेरे पास, ये इसका आप शौक करवाएं, ये ऊपर जैल का कबूतर है ये। हाँ, इसका भी शौक करें। हाँ जी, असल आज में पुराने परिंदे मेरे यही है, तो एक ऊपर है नर है, हाई फ्लायर है ये, एक सहारनपुरी, ये सहारनपुरी मादी ने। थोड़ा मैं क्रॉस में पैर बच्चे निकलवा रहा हूँ इनके उड़ाने के लिए। ये अपना, आप लो फ्लायर की बात कर रहे हैं, मेरा लो फ्लायर परिंदा है ये, लो फ्लायर। हाँ, ऐसे कहने को ये मोतियाबंदी कहेंगे, कुछ लोग मोतियों वाला कहेंगे, मगर ये प्योर लो फ्लायर कबूतर है। चलो अखमेर ने, तो जो आपकी पिछले साल लो फ्लायर बाजी लगी थी, हाँ, वो जो परिंदे आपके अच्छे उड़े थे उनका शौक करवाएं। हाँ, तो गाइस, इनकी पिछले साल जो बाजी लगी थी लो फ्लायर कबूतरों की, तो इनमें ये इस मादी का रिजल्ट था। हाँ, ये बेसिकली लकी भाई दो हैं, सेम है, नर और मादी सेम ही लगते हैं। ये नर है। तो इसका टाइम क्या था? ये टाइम इसके पर बांध के उड़ाया था, ये 3:30 बजे आया था मेरे पास। अच्छा, क्योंकि ये रात बाहर हो जाता था, तो ये मैंने पर बांध के उड़ाया था। ये लो फ्लायर है ना? ये लो फ्लायर है। ठीक है, तो गाइस ये भी एक लो फ्लायर है, इसका रिजल्ट अच्छा था। मगर ये बताऊं भाई, ये लकी भाई से ही आई थी हमारे पास, इसको 5:30 बजे उतारा था मैंने। 5:30 बजे तक? हाँ, 5:30 बजे उतारा था, उतारा मैं कि फड़के देख के उतारा था इसको। अच्छा, मेरी बाजी ख़त्म हो गई थी 2 बजे के आसपास, ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद ये गाइस पर शौक करें। ये गुलाटियाँ भी मारती है, कम से कम 200-250 गुलाटी भी मार देती है, फिर ऊपर जाती है। अच्छा, हाँ, पहले गुलाटी मारेगी ऊपर जाएगी, फिर तो नीचे उतरेगी। जितेंद्र भाई, इसके बाप का भी बड़ा अच्छा रिजल्ट था मेरे पास। ये मैंने देखो येलो आइज में, और परों का आप शौक करें, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है बिल्कुल सिमेट्रिक में। जितेंद्र भाई, आपने भी बोला कि पर एक के ऊपर चढ़ा, लेकिन हाई फ्लायर के पर होते हैं? देखो लकी भाई, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका हाई फ्लायर और लो फ्लायर का, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखिए ना,
पतला वजूद है और आप चोंच के ऊपर देखिए बिल्कुल सीधा इसका सर, छोटा सा सर है और चपटा सर है। और अगर मैं आपको हाई फ्लायर का शो करवाऊँ, मेरी हाई फ्लायर है, अब आप देखिए उसमें और इसमें क्या फ़र्क था। देखिए इसका सिर आगे सामने से देखिए, चोंच से उठा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना आगे से खुला है, पीछे से बंद है, बड़े स्ट्रक्चर की मादी ने। और इसका बड़ा सर है जो बेसिकली इनके बड़े स्ट्रक्चर का बेनिफिट ये होता है कि हाई एटीट्यूड पे इन्होंने उड़ना होता है, तो उसके लंग्स बड़े रहेंगे तो इनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, देखो इनका भी परों के ऊपर पर चढ़ा है, परों से हम ये नहीं जजमेंट कर सकते कि ये लो फ्लायर है कि हाई फ्लायर है। हाई फ्लायर का और लो फ्लायर का उसके बॉडी स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा और उसके फ्लाइंग पैटर्न से पता चलेगा। तो ये हाई फ्लायर है। तो कुछ उस्ताद बोलते हैं ना कि पर देखो ये देखो, तो इसका मतलब क्या है? देखो लकी भाई, मैंने आपको पहले कहा ये सिर्फ कहने की बातें हैं, पर हाई फ्लायर के भी वही हैं। अब देखो ये मेरे पास हाई फ्लायर मादिन है, मगर ये जेलो आइज में है, इसका मैं आपको, ये जेलो आइज में है, मगर आप देखो हाई फ्लायर मादी है। बॉडी स्ट्रक्चर देखो पूरा आगे से खुला है, पीछे से बंद, ये देखो बन टेल की है। तो ये हाई फ्लायर की कहानी है, वो सिर्फ है, सिर्फ कहानी है सिर्फ। आप बताओ परों का क्या काम है? पर हाई फ्लायर में भी कई बार पतले परों में आते हैं, पतले और चौड़े पर का ये फर्क होता है कि जो पतला पर होता है ना, ये कबूतर को लंबा लेता है, मतलब तेज उड़ान देता है, और जो चौड़ा पर है ये स्लो प्रवास देता है। जो कबूतर हमारे छत पे उड़ते हैं छोटी गेरियों में आहिस्ता आहिस्ता राम राम से, तो वो चौड़ा पर का कमाल है। लोग पतला और चौड़ा पर इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जैसे बाज बहरियाँ पड़ती हैं, तो जो चौड़े पर का कबूतर है वो बाज के हाथे जल्दी आ जाता है, तो जो थोड़ा पतले पर का कबूतर वो लंबा खींच निकल जाता है। तो ये चक्कर है बस, इसलिए लोग पतला पर बंद टेल का प्रेफर करते हैं। चौड़ी टेल का होगा वो बैलेंस बना के गोलदारी में उड़ेगा, बंद टेल का होगा थोड़ा लंबा निकल जाएगा, बस ये रीज़न है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी हवाएँ हैं सारी। ठीक है, तो गाइस जय जितेंद्र भाई थे हमारे। जितेंद्र भाई आप अपने उस्ताद आशीष जो गुप्ता जी हैं जम्मू से, आशीष गुप्ता जी के पास मैं गया था, तो जो जालो आखे बैन की थी उन्होंने क्या जवाब दिया था आपका? उन्होंने भी सेम चीज़ बोली, क्योंकि वो अच्छे उस्ताद हैं, लेजेंड उस्ताद हैं वो, और हमारे जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। उन्होंने भी यही बोला कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, बाहर बनारस में जर्चे कबूतर उड़ते थे पीली आँख में, पूरा शहर ही जर्चों का था। हाई फ्लायर होते हैं, तो हाई फ्लायर मतलब कि ऊँची उड़ान उड़ता है, लो फ्लायर की थोड़ा नीचे उड़ता है। हाई फ्लायर का है कि एक बार जितना टाइम उसने मारना बंद ही मारना है, और लो फ्लायर है कि अप डाउन करते हैं। तो जो बाजी में भी वाइट आके भी अप डाउन करते हैं, तो इसका मतलब वो भी लो फ्लायर हुए फिर? देखो सर, मैं 10-15 साल से उड़ा रहा हूँ, कई बंदे कहते हैं कि कबूतर को सामान लगा दिया वो अप डाउन करते हैं, जो प्योर हाई फ्लायर होगा वो अप डाउन करेगा ही नहीं, बिल्कुल जितना टाइम मारेगा आसमान में बंद मारेगा उसके बाद आएगा बैठ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लो फ्लायर जिसके साथ क्रॉस हो जाए, इसमें आपको एक एग्जांपल तौर के ऊपर बताता हूँ, ये मेरा कबूतर लो फ्लायर और हाई फ्लायर का क्रॉस है, कैसे पता चला वो बताता हूँ। देखो आप इसकी देखिए, इसने अपना दोनों के स्ट्रक्चर नहीं छोड़े, ये देखो इसके चेहरे के ऊपर से बंद है, ऊपर से चौड़ा सिर चपटा सिर है, और स्ट्रक्चर इसका मैंने बड़ा किया हुआ है क्योंकि मादी मैंने बड़े वजूद की ली थी, नर छोटे वजूद का लिया था। अगर किसी ने हाई फ्लायर और लो फ्लायर का क्रॉस लगाना है, मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ, मादी आप बड़े वजूद की लें और नर आप छोटे वजूद का ले लें, तो वो जजमेंट में नहीं आएगा। जजमेंट में आएगा कहाँ पे, जिसको थोड़ी आइडेंटिटी होगी हाई फ्लायर कैसे जजमेंट करें। तो ये उड़ाया आपने मेरे? हाँ जी उड़ाया मैंने। तो इसकी उड़ान क्या अपना होना है कि सीधा बंद होकर उड़ता है? पहले बंद होता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर बंद हो जाएगा, हिटे मारेगा, ये अपडाउन करेगा। अच्छा कबूतर है। तो ये मुर्गी बाजी में आप उड़ा सकते हैं उसको? है हाँ, इसको उड़ा सकते हैं, क्यों नहीं उड़ा सकते, क्योंकि इधर की जम्मू में तो हमारा क्या कबूतर बंद जाना चाहिए, बाद में बोलते हैं कि हिटे मारते हैं, हम भी बोल देंगे कि हाँ भाई हमारा हाई फ्लायर है, हमने सामान लगाया हिटे मार रहे हैं, तो उड़ा देंगे हम भी ऐसे। मतलब आँख से हमारे जो जम्मू में आँख से कबूतर बाजी चल रही है। आप देखो बेसिकली ये कबूतर में लाल डोरा है, अगर लो फ्लायर जेलो आइज में हो
तो फिर बंदा उड़ाई ना, अब इसकी आंख लाल है, जो हमारे कहते हैं कि गोल्डन अपने गोल्डन कसूरी कसूरी टच है जी। अब बताओ इसमें कौन सा कसूरी टच है, जो लो फ्लायर और हाई फ्लायर का क्रॉस है। बॉडी स्ट्रक्चर में भी इसको कोई जजमेंट नहीं, बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर में कलर वाइज ये चीना है, ठीक है ना। तो मेरी नज़र में ये लो फ्लायर है, बिल्कुल वजह है। अब देखिए ये ठीक हो गया। तो गाइस ये थे इनके कबूतरों को शौक, फिर से करवाते हैं हम हाई फ्लायर। वो पीछे जैसे हम कलर चफ बोलेंगे, कलर पैटर्न में चफ कबूतर, देखो कबूतर का स्ट्रक्चर देखो, और ये देखो परिंदा। तो कैसी लगी वीडियो और कैसे रहे इनके साथ बातचीत, सब भाई कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उससे सब्सक्राइब कर चैनल को पक्का करें। बीच में कुछ लो फ्लाई कबूतर भी हैं इनके।